एक चीज है दोस्तों, आप लोगों ने ऐसा वड़ा पाव मैंने जो आपको शुरू में ही बताया कि नहीं खाया होगा, और जो बनाने की प्रोसेस है वो भी बहुत लाजवाब है। इस तरीके से बन को सेकते हुए भी आप लोगों ने शायद ही कहीं देखा होगा, बट वड़ा पाव में तो कभी नहीं देखा होगा। तो अगर आप भी खाने पीने के शौकीन है और चाहते हैं इस वड़ा पाव का मजा लेना, तो आइए सेम एड्रेस पर। वीडियो के एंड में आपको मैं एड्रेस इनका दे दूंगा। हाय फ्रेंड्स, घुमक्कड़ फूड इंडिया आज आपको लेके आ चुका है पाल आरटीओ रोड, और यहाँ पर जो वड़ा पाव हम लोग ट्राई करने वाले हैं, ये वड़ा पाव आपको सूरत के किसी कोने में नहीं मिलेगा, और सूरत ही क्यों भाई, इंडिया के किसी कोने में नहीं मिलेगा। और सर क्या नाम है आपका? माधव। अच्छा माधव जी, ये बताइए कौन सा वड़ा पाव आप लेके आए हो? यार धमाल हो गई है सूरत में, कौन सा है? बारबेक्यू वड़ा पाव है। बारबेक्यू वड़ा पाव? भाई साहब मजाक तो नहीं कर रहे हो? क्योंकि वेज के लिए, और वो वड़ा पाव में? वड़ा पाव में। सच में यार भरोसा नहीं हो रहा है, तो भरोसे के लिए क्या करेंगे, बना के देखते, खा के देखते। तो भाई इनके जो बोर्ड पे लिखा है आप देख सकते हैं, फर्स्ट टाइम इन सूरत बीबीक्यू भट्टी वड़ा पाव। भट्टी ये हो गई और वड़ा पाव आप बनाएंगे। चलिए सर, तो कौन सा लगाएंगे हम लोग आज? तंदूरी भट्टी वड़ा पाव। ये जो बन है वो नॉर्मल है? नॉर्मल है, लेकिन बड़े साइज का है। अच्छा थोड़ा सा बड़े साइज का है, जंबो साइज। और ये चटनी कौन सी है? वही नॉर्मल लहसुन की चटनी है, धनिया की चटनी, धनिया, हरा धनिया। अच्छा यही है वो कमाल वाली चीज। तो भाई ये आ गया बारबेक्यू सॉस, ये अपने एक चीज ही नया सॉस है। अच्छा ये न्यू सॉस आपने ऐड किया स्पेशली तंदूरी एडिशन के लिए? अच्छा ये जो तंदूरी सॉस। अच्छा ये तंदूरी सॉस है, लिक्विड चीज। अच्छा माधव जी ये बताइए, आपने ये कैसे सोचा कि बारबेक्यू भट्टी वड़ा पाव ले आना है? देखो कुछ ना कुछ नया करने की उम्मीद तो आती है। हाँ कुछ ना कुछ नया करने का तो रहता है, क्योंकि आपने लास्ट टाइम मैंने आपके वहाँ वड़ा पाव उल्टा वाला ट्राई किया था, तो वो काउंटर शायद आपका उधर है, राइट? हाँ, ये वही साथ ही है। वहाँ पे, और फिर आपका है सेकंड काउंटर। अच्छा क्या क्या इसमें? कॉबेज है। कैबेज है। अच्छा ये कैप्सिकम। यहाँ का टाइम बताइए, कितने बजे ओपन करते सर? 3 बजे ओपन करता हूँ, 3 to 9। अच्छा 3 बजे से रात के 9 बजे तक। और ये क्या चीज है सर? ये वड़ा है। अच्छा वड़ा पाव जो रेगुलर आता है उसमें गोल रहता है। हाँ। और इसमें आपने क्या किया है, एकदम मतलब अलग ही शेप देके बना रखा है। है तो आलू का ही ना? हाँ, आलू का, आलू। और ऊपर से ये क्या लग रहा है? बटर। ये बटर लग रहा है। अच्छा क्या बात है भाई, तंदूरी भट्टी वड़ा पाव बोल के भट्टी भी प्रॉपर है, कोल भी बढ़िया से जल रहा है, और बढ़िया से देखिए सेका जा रहा है। देखते हैं आखिर में इसका टेस्ट भी आता है कि नहीं। और ये वड़ा पाव कितने का है सर? ये 80 रुपीज। और कितने से शुरू हो रहा है मेनू में ये? 40 रुपीज से स्टार्ट। अच्छा 40 रुपए से शुरू हो रहा है तंदूरी भट्टी वड़ा पाव। मैक्स टू मैक्स 90 रुपीज है, उससे ज्यादा है। अच्छा एक बार यहाँ का प्रॉपर एड्रेस बताइए मुझे। ये पाल आरटीओ रोड पे है, अटल आश्रम के पास, फ्रूट ओवरब्रिज के सामने। अच्छा गाइस ये वो ब्रिज है और यहाँ पर ये पाल आरटीओ रोड पर खड़े हैं। कितनी वैरायटी में अपने पास भट्टी तंदूरी वड़ा पाव? 7 वैरायटी में। अच्छा और ये बन को भी सेका जा रहा है। हाँ, बन को भी सेका जा रहा है। एक चीज है दोस्तों, आप लोगों ने ऐसा वड़ा पाव मैंने जो आपको शुरू में ही बताया कि नहीं खाया होगा, और जो बनाने की प्रोसेस है वो भी बहुत लाजवाब है। इस तरीके से बन को सेकते हुए भी आप लोगों ने शायद ही कहीं देखा होगा, बट वड़ा पाव में तो कभी नहीं देखा होगा। तो अगर आप भी खाने पीने के शौकीन है और चाहते हैं इस वड़ा पाव का मजा लेना, तो आइए सेम एड्रेस पर। वीडियो के एंड में आपको मैं एड्रेस इनका दे दूंगा। तो भाई यहाँ पर ब्रेड बढ़िया से सेक लिया है, उसके बाद उसको उतार लिया गया है और बन ओपन कर लिया गया। साथ में ये देखिए जो आलू की बनी पेटीज थी, जो वड़ा था वो भी आ गया है।
और भाई यहाँ पे पैटिस डालने के बाद बढ़िया से उसको चीज ऊपर से ग्रेट किया जा रहा है, जबकि अंदर ऑलरेडी लिक्विड चीज है। रेडी हो गया सर? ये है तंदूरी भट्टी वड़ा पाव और स्पेशली हमने बारबेक्यू वाला ये ट्राई किया है। भाई 80 रुपये प्राइस बताई थी इन्होंने, काफ़ी वजनदार है। मुझे लगता है कि 80 रुपये शायद इस वजन के सामने आप ले सकते हैं। एक बार टेस्ट करके क्वालिटी भी चेक करें। क्या बात है भाई साहब, आइए। गाइस इसके अंदर इन्होंने जो एक तंदूरी सॉस डाला था उसका जो थोड़ा सा चटपटा टेस्ट आना चाहिए, उस सॉस का टेस्ट जो है प्रॉपर आ रहा है। और जो आलू की पेटी यानी जो हम वड़ा बोल सकते हैं, जिसको इन्होंने बटर के अंदर सेका था तंदूर के ऊपर, उसकी वजह से थोड़ा सा स्मोक, और उसके अंदर जो आप देख रहे थे जब मैंने खोला तो भाप था, यानी बहुत बढ़िया से सेकाया हुआ है। और ब्रेड भी बहुत बढ़िया से उसको सेकने के बाद थोड़ा सा मतलब स्मोक फ्लेवर आ रहा है इसमें, बाकी चीज़ के कॉम्बिनेशन के साथ ये लाजवाब लग रहा है। तो मुझे लगता है ये सूरत में एकदम नया है, और आप भी आइए भट्टी तंदूरी वड़ा पाव खाइए और हमें बताइए आपको कैसा लगा। या रेगुलर खा खा के थक गए होंगे ना, कुछ नया खाइए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले सफर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।